नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि गंदगी की एक ऐसी बयार बह रही है जिसको देख करके जो सही इंसान हो वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चला जाए। कुछ दिनों के लिए, जब तक ये चुनाव चल रहे हैं, अपने आप को टीवी से, मीडिया से दूर कर ले, नेताओं से दूर कर ले, इतनी गंदगी बह रही है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी हैं, राघवेंद्र सिंह इनका नाम है, और इनका एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इतनी घटिया बात कही है, मैं शब्दों में शायद उसको बयान नहीं कर पाऊंगा, इतनी घटिया बात कही है। ये आप देखिए, न्यूज 24 ने इसको लिखा है, जिसने बीजेपी को वोट दिया, ये वीडियो आपको सुनाएंगे, अपने इनके शब्द हैं, जिसने बीजेपी को वोट दिया उसके अंदर मियां का खून है, मुसलमान का खून है, गद्दार है वो, अपने बाप की नाजायज औलाद है, ये बात कह रहा है। और उसके बाद में जो सामने भीड़ बैठी है, वो भीड़ तालियां बजा रही है। अब सोच करके देखिए, इन भाजपा के नेताओं ने लोगों को जो है वो क्या बना दिया है। ये डुमरियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी हैं। आप सोच करके देखिए, वीडियो आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद में इसके एक एक बयान का जो है वो मतलब आपको समझाएंगे। वीडियो में आवाज़ जो है वो थोड़ा खराब है, इसलिए थोड़ा आराम से इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और ये सब कुछ बातें जो है वो इतिहास में दर्ज होनी चाहिए कि 2022 के अंदर एक चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और उसमें इतनी घटिया बातें जो है कही गई थी, ये सब इतिहास में दर्ज होना चाहिए। इसलिए इन बातों को, इन वीडियो को कहना, सुनना, समझना और इनको सेज करके रखना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके। सुनिए आप। यह गांव का जवान हिंदू अगर दूसरे तरफ जात तो जान लो अंदर मियां के खून दौड़ा, वो गद्दार है, वो जयचंद की औलाद है, वो अपने बाप की औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। अच्छा बताओ, यह गांव क्या जयचंद है, क्या टू है, तेरी नाम नोट करके हमें बताया दो, ठीक है, तभी हम बनवाई, तभी उनके रंगवा हम टेस्ट कराई, उनके खुलवा टेस्ट कराई, तू ओरिजिनल हिंदू हो कि तुम मियां का भैया। जय चंद लोगों का तो आप जानते हो, का बताओ, नहीं तो तभी उनके डीएनए टेस्ट कराए, ठीक है, नमो हमें बताए दियो बिहार नोट करके धीरे से हम जाना बस क्यों नहीं जाए। मोनू चौधरी, तभी तू एक गाँव आए तो जय चंदन के समझाए दो, क्या भाई ठीक कह लो ना, बड़ा निर्णय हो गया पेड़ी में, ठीक है ना, चलो नहीं और क्या है तुम्हारे साथ, ठीक है ना, कल परसों में आए थे तभी देख के नहीं समझा दे सकता, नहीं तो हम पकड़ पकड़ करके पतवार पतवार कहा कि है जयचंद है पेड़ी के। कमाल की बात ये है कि सामने हिंदुओं को बैठा करके, अब देखिए हिंदू मुसलमान हम तो अपने आप से कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है कम से कम उसको बयां करना पड़ेगा। अपने सामने हिंदुओं को बैठा करके क्या कहा जा रहा है कि जो हिंदू, क्योंकि मियां, इनकी जो पूरी वीडियो है उसका लबोलवाब मैं आपको बता रहा हूं कि मियां जो है, मुसलमान जो है, वो बीजेपी को वोट नहीं करता, और जो हिंदू भाजपा को छोड़ करके सपा को वोट करेगा उसके अंदर मियां का खून है, मतलब वो मुसलमान की पैदाइश से, इतनी मतलब गाली दी जा रही है। अब मुसलमान, वैसे मुसलमान की पैदाइश जो है वो कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति को ये कहना कि तुम अपने परिवार से नहीं हो, तुम फला किसी व्यक्ति की पैदाइश हो, ये तो गलत है ना साहब। और उसके बाद में फिर क्या कहा गया, उसके बाद में कहा गया कि वो गद्दार है, वो जयचंद है, उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। ये बातें कही जा रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी को वोट देगा तो वो गद्दार है, जयचंद है, उसका डीएनए टेस्ट करवाओ, वो फिर असली हिंदू के खून नहीं है, वो अपने बाप की नाजायज औलाद है। कमाल की बात है किस तरह की बातें जो है कही जा रही है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत भारी भड़कम खचाखच भरी हुई भीड़ है, एक छोटी सी कोई नुक्कड़ सभा थी, उसको जो है उसमें भाषण दे रहे थे,
सोच समझ करके ऐसी गंदगी जो है वो उड़ेली जा रही है और कोई जवाब नहीं है किसी के पास में। कोई चुनाव आयोग इस देश के अंदर अगर सख्त होता तो इसके ऊपर कार्रवाई होती कि कैसे आप लोग जो है वो संप्रदाय के नाम पर लोगों को गाली दे रहे हैं, कैसे आप घोर सांप्रदायिक जो है वो बयानबाजी दे रहे हैं। कोई अगर चुनाव आयोग इस देश में होता तो उस पर कार्रवाई करता। और बीजेपी की तो बात छोड़ दीजिए आप, बीजेपी तो बात कहती है कि हम संस्कारों वाली पार्टी है, हमारे अंदर संस्कार है। और ये संस्कार है साहब, जो आपको वोट नहीं देगा आप उसको नाजायज औलाद करार दे दोगे। अरे साहब, इसी उत्तर प्रदेश ने 2012 में, आप तो अभी 14 में, अभी तो आप 17 में आए हो, इससे पहले यही उत्तर प्रदेश की जनता जो है और यही उत्तर प्रदेश के हिंदू जो है वो बीजेपी सपा को भी वोट करते रहे, बसपा को भी वोट करते रहे, कांग्रेस को भी वोट करते रहे और अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे, और भी पार्टी आएंगे उनको भी वोट करेंगे। तो जो आपको वोट नहीं देगा वो नाजायज हो गया, वो अपने उसको कह दोगे आप कि तुम अपने बाप की नाजायज औलाद हो। ये कैसी घटिया बयानबाजी है, सोच करके देखिए आप। और सोचना तो उन लोगों को चाहिए जो ताली बजा रहे थे, और सोचना जो है वो कहना मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं और मैं बिल्कुल इस बात का समर्थक नहीं हूं, लेकिन सोचना उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को चाहिए कि आप, आपकी ये औकात हो गई है, आप इस औकात पर ला करके खड़े कर दिए गए हो कि हमको वोट दो, और अगर हमको वोट नहीं दिया तो तुम नाजायज हो, तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, तुम मियां का खून हो। ये हिंदुओं की औकात पर ला करके बीजेपी के नेताओं ने छोड़ दिया है। कहा था कि हिंदू हूं गर्व से कहो, ये बातें जो है वो शुरुआत में कही गई। मुद्दे तो छोड़ दीजिए आप, कितने हिंदुओं को रोजगार मिला, कितने हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ, इन बातों पर तो कोई बात नहीं होगी। कितने हिंदुओं को सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, इस बात पर बात नहीं होगी। बात इस पर हो रही है कि तुमने अगर हमको वोट ही नहीं दिया तो तुम तो नाजायज हो। और बार बार मैं इस चीज को इसलिए कहूंगा ताकि बार बार आप जो है बार बार आप इस बात को सोचे समझे कि आपको क्या गाली दी जा रही है और फिर आपसे वोट मांगे जा रहे हैं। अरे साहब, इन्होंने राजनीति का पैटर्न चेंज कर दिया है। राजनीति का पैटर्न पहले यह था कि चुनाव के समय पर नेता पदयात्रा करते थे, जो गुस्से में होता था उसकी गालियां खाते थे, कोई अगर जूते की माला पहना देता था तो जूते की माला तक पहन लेते थे। ये तक वीडियो हमने देखी है कि जूतों तक की माला तो है लोग पहन लेते हैं। और आज राजनीति का पैटर्न ये हो गया है, इनके अंदर इतना अहंकार आ गया है, इतना घमंड आ गया है कि खुलेआम मंच से गाली दे रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिया तो तुम जाओ नाजायज औलाद हो, तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा करके तुमको जो है मियां की औलाद घोषित कर देंगे। और ये पैटर्न आज नया नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि ये पैटर्न नया है तो इनकी हिस्ट्री जाकर के आप चेक करिए। यही सामंती सोच जो है, जो ये सामंती सोच है इन लोगों की, यही सामंती सोच क्या कहती है, यही सामंती सोच पहले गांव देहात में जब कोई विधवा औरत होती थी उसकी जमीन पर कब्जा करना होता था तो उसको सबसे पहले जो है उसका करेक्टर एसेसिनेशन करते थे, उसका चरित्र हनन करते थे, उसको डायन घोषित कर देते थे ये लोग। और ये डायन घोषित कर करके पूरे गांव के साथ में मिलकर के उसके ऊपर आक्रमण करके उसकी जमीन को कब्जा कर लेते थे। ये सामंती सोच जो है वो फिर से जो है पनप रही है। बड़ी मुश्किल से समाज वहां से निकल करके यहां पर आ जाया है, लेकिन आज समाज को फिर से कहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है, और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रहा है। याद रखिए और लोगों को बताइए और आगे भी बताइएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो आज राजनीति हो रही है वो हार चुकी है। इस राजनीति की हार जरूर होनी चाहिए। जो राजनीति ये कहती है कि अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो तुम नाजायज औलाद हो, तुम गद्दार हो, तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, जो अगर राजनीति ये कहती है उस राजनीति को हराना जरूर है। चाहे वो किसी पार्टी को, किसी और दल का हो, चाहे निर्दलीय हो, कोई भी व्यक्ति ऐसी बात कहता है और चुनाव आयोग और उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक जो है इनका मैसेज जरूर पहुँचे कि गर्व से कहो हिंदू से लेकर के आज नाजायज हिंदू जो है वो आपको बना दिया गया है। इस वीडियो को, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।